गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 8 का जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो था हाउ व्हेन एंड वेयर, इसी चैप्टर को मैं आगे बताने आपको आया हूँ। इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको यह बतलाया था कि किस तरीके से भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है, किस तरीके से जो मुगलों का शासन जो था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा था, कमज़ोर पड़ता चला जा रहा था, और किस तरीके से आपको जो है ब्रिटिश जो है ना बैटल ऑफ पलासी के बाद के से भारत में जो है ना पॉलिटिकल पावर के तौर पर आक्रामक हो चुकी थी, और 1857 के बाद पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया। पहले तो लोग यही सोचते थे कि यहाँ पर जो शासन जो चल रहा है वो अभी भी राजाओं का ही चल रहा है, लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था कि नहीं, मुगलों के द्वारा शासन नहीं हो रहा है, वो तो बस सिर्फ एक पपेट थे और उनको कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो होगा वो ये है न्यू रूलर्स न्यू एरा। टॉपिक को जरा समझिए, क्या है न्यू रूलर्स न्यू एरा, मतलब क्या, नए शासक और नया युग। कौन है यहां नया शासक? तो नए शासक यहां कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स हैं। न्यू एरा नया युग, तो कौन सा युग भाई? तो ये नया युग क्या है? तो नया युग ये हुआ कि जो पहले के जो सिस्टम जो थे ना शासन करने का, वो अब खत्म हो चुका है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, और अब जो है ना आधुनिक तरीकों से जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन आ चुकी है, जिसने भारत में कई बदलाव लाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव किए गए, नए नए एक्ट्स बनाए गए, कानूनों के तहत जो है वो अपने तरीके से वो कानून बना रहे थे, जो पहले के जो कानून जो थे वो सारे कानून को साइड कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने, जो है आपको अपने तरीके से जो है रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। लेकिन हाँ, ये बात एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं कि पूरे कानून को यहाँ पर साइड कर दिया, मतलब कि धर्म से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला था तो उसको उन्होंने जो है उसमें उन लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया। जो आपको जो है जैसे कि आपको इस्लाम धर्म का शरिया हो गया, तो शरिया जो है उनका उनके अनुसार ही जो है ना उनके जो भी गुनाह होते थे उन्हीं से जो है उनको सजा दिया जाता था। उन लोगों ने रिलीजियस तौर पे ज्यादा इन चीजों में जो है ना इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने नए जो है प्रशासनिक तौर पर जो है बदलाव लाए, नए नए रूल्स रेगुलेशंस जो है लाए, मकसद बस यही था उनका कि भाई लोगों को जो है सिविलाइज करना, ठीक है, लोग जो होंगे उनको सिविलाइज करना, सभ्य बनाना उनका मकसद था, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव लाया गया। जो पॉलिटिकल सिस्टम पहले किंग्स के हाथ में थी, नवाबों के हाथ में थी, अब जो है वो क्या है, अब यहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नर्स के हाथ में है, वो अब शासन कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, सोशली, इकोनॉमिकली, समाज में, सामाजिक तौर पर भी आप देखिए तो उनके पॉलिसीज, जैसे आपको विडो रिमैरिज शुरू करना, सती प्रथा को बैंड करना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये किया था, ठीक है, सती प्रथा को बैंड करना। अंग्रेजों ने भारत पर जो है ना अपना कब्जा किया, शासन किया, ठीक है, लंबे वर्ष तक जो है उनका शासन रहा। इस चीज को एक नाम दिया गया है कॉलोनी, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। समझिए कॉलोनी क्या होता है,
जब किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा अपने से वीकर कंट्री को, जब कोई पावरफुल कंट्री अपने से वीकर कंट्री को ना अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार जब उसके ऊपर वो शासन करता है तो वो उस कंट्री का कॉलोनी कहलाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये कॉलोनीज जो है सिर्फ पूरे दुनिया में ब्रिटेन ही का था, नहीं, ब्रिटेन के अलावा फ्रांस, जर्मनी, पोर्टुगल, इनके भी जो है ना अलग अलग इलाकों में कॉलोनीज थे, ठीक है। तो ब्रिटेन का कॉलोनी था इंडिया, तो यहां पर कॉलोनी का मतलब यह है कि किसी शक्तिशाली देश के द्वारा अपने से कमजोर देश को अपने नियमों के तहत उनके ऊपर शासन करना, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कॉलोनी, कॉलोनिज्म, कॉलोनी से बना कॉलोनिज्म, कॉलोनियलिज्म, यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री बाय इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये था आपको कॉलोनाइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं। और कॉलोनी कौन है? इंडिया, जिसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया वो हो गया कॉलोनी, और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? कॉलोनाइजेशन। अब देखिए कॉलोनाइजेशन के बाद हम आगे बढ़े तो इंडिया को उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया। इसी का एक दूसरा टर्म है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म क्या है? इसमें क्या होता है कि एक शक्तिशाली देश, इसमें भी क्या करता है, एक शक्तिशाली देश जो है ना वो दूसरे कमजोर देश को कॉलोनाइज करता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है, इंक्रीजेस इट्स स्ट्रेंथ ओवर द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, अगर मान लीजिए इंडिया उनका कॉलोनीज था तो इन लोगों ने क्या किया, अपने इस कॉलोनी के जो है ना, जो इनकी कॉलोनीज जो थी, इन कॉलोनीज को क्या किया अंग्रेजों ने जो है आपको इसका इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, आर्थिक तौर पर फायदे के लिए भारत जैसे कॉलोनी का उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो कॉलोनीज का मतलब जो है वो मैंने आपको बतला दिया, कॉलोनाइजेशन भी बतला दिया, तो इंपेरियलिज्म यही है, फॉर गेनिंग देयर ओन प्रॉफिट द पावरफुल कंट्री लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट सब्जुगेटिंग ओवर अदर एंड इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। इसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाना, विस्तार करना। देखिए अंग्रेजों को जो है ना, एक आप बुक में देखिएगा क्वेश्चन एक दिया हुआ है थिंक एंड आंसर करके, कि आखिर जो है ऐसा क्यों कहा गया था कि अंग्रेजों का जो है कभी भी सूर्यास्त नहीं होगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन है कि आखिर क्यों कहा गया कि कभी भी अंग्रेजों की जो है जो पावर, जो ब्रिटिश एम्पायर जो है ना उसकी कभी भी सूर्यास्त नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व के 25% भूभाग पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना इसका कब्जा था। अब सोच लीजिए कि विश्व के 25% भूभाग पर कब्जा है, तो 25% भूभाग पर कब्जा है यानी मतलब क्या कि आपको कहीं ना कहीं दिन होगा। हमारी आप जानते हैं कि एक पार्ट में क्या होता है, डे होता है, एक पार्ट में नाइट होता है। तो जब इतने बड़े इलाके पर उनका कब्जा है तो इससे साफ है कि भाई कहीं एक दिन तरफ दिन होगा तो दूसरी तरफ रात होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है दिन और रात की जो मैं बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा, मतलब एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात है, तो उन्हीं का कॉलोनी है, कहीं दिन कहीं रात। यानी ये दिन वाला जो है ना ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आया? फिर समझिए,
मतलब कि उनके जो कॉलोनीज जो है ना, उनके एक किसी एक पार्ट में डे है तो किसी एक पार्ट में नाइट है, तो ये तो वो सिलसिला चलते रह रहा है। मतलब उनका कभी जो है ना ये डे का जो पीरियड जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी उनका जो है सूर्यास्त ब्रिटिश एम्पायर का नहीं होगा, इसीलिए कहा गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है नेशन और नेशनलिज्म। देखिए नेशन क्या होता है, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, और राष्ट्र क्या होता है समझिए, जब किसी खास भूभाग पर, जब किसी खास भूभाग पर किसी एक विशेष जाति के लोग, किसी एक विशेष संस्कृति के लोग, किसी एक विशेष भाषा के लोग, किसी एक विशेष जो है आपको कॉमन हिस्ट्री, जिनका एक जो है एक समान अतीत हो, वैसे लोग जब किसी एक खास भूभाग पर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका क्या कहलाया, नेशन विद अ कॉमन आइडेंटिटी। तो ये सारा कॉमन ही आइडेंटिटी है ना, एक भाषा, एक कल्चर, एक कॉमन हिस्ट्री है, ठीक है, किसी एक पार्ट ऑफ लैंड में रह रहे हैं, तो यही है नेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां पर इसी नेशन से आगे चलकर बना नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म एक ताकत है जो कि भारत में डेवलप हुआ आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी, ठीक है, 23 जून 1757 बैटल ऑफ पलासी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, और उसके बाद 1857 100 साल बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद से ही क्या हुआ कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है ना वो और थोड़ा मजबूत होती चली गई। लोग यह समझ चुके थे कि भाई अगर अपने यहां से हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर किक आउट करना है, बाहर निकालना है, तो वी विल हैव टू बी यूनाइटेड एंड फॉर्मुलेट सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू विच वी कैन ड्राइव आउट दिस फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये जो है ना नेशनलिज्म एक ऐसी ताकत थी जिसने कि क्या किया कि पूरी तरीके से जो है ना लोगों के मानसिकता को बदलने का काम किया। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो नेशनलिज्म क्या है, ए फीलिंग ऑफ लव डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। यानी राष्ट्र के प्रति आपका प्यार, आपकी भक्ति और आपके जो कार्य जो है जो राष्ट्र के हित में है, कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, वही नेशनलिज्म है। राष्ट्र के प्रति आपका जज्बा, ये नेशनलिज्म है। तो नेशन अलग होता है और नेशनलिज्म अलग होती है। नेशनलिज्म एक ताकत होती है और नेशन जो है इसका एक अपना फिजिकल बाउंड्री होता है। ठीक है, इसका एक अपना फिजिकल बाउंड्री होगा। और नेशनलिज्म क्या, इट इज अ फोर्स, ये ताकत है जो कि लोगों को क्या कर रही है, लोगों को जो है नेशन के प्रति लोगों को अवेक कर रही है, जागरूक कर रही है और अपने नेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, अगली क्लास में मैं आपको इस चैप्टर से जुड़ी और भी डिटेल्स दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।